मेरी मानो तो यहां से अभी के अभी निकल जाओ। जल्दी चलो। सिग्नल के लिए रुको। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि सिग्नल मिला है? वेलकम एवरीवन, माय नेम नीरज। जो वाचिंग नीर व्यू पॉइंट, तो हर साल बहुत सी मूवीज रिलीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट जनरा में। उनमें से कुछ मूवीज होती हैं एक्शन से भरी हुई, एडवेंचर, फैंसी, ड्रामा और सुपर नेचर पावर से भरी हुई मूवीज और शोज रहते हैं। लेकिन आज के हम वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे टॉप 10 एक्शन से भरी हुई मूवीज के बारे में जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मूवीज हिंदी में अवेलेबल हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। ये लोग दुनिया की नजरों में मर चुके हैं। हम याद नहीं रहेंगे पर हमारा काम याद रहेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है ना मामा। तुम आखिर हो कौन? जान जाओगे। अगर वो असल में है तो उन्हें खत्म किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी मूवी के साथ जिसका नाम है डेथ रेस। डेथ रेस एक्चुअल में एक फ्रेंचाइज है जिसके आपको टोटल 4 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे और इस सीरीज को 2008 में रिलीज करना स्टार्ट किया गया था। अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करें तो मूवी का प्लॉट फॉलो करता है। यहाँ पर आपको कार कॉम्बैट देखने के लिए मिलेगी जो कि प्रिजन के अंडर होती है, एक तरह से रियलिटी शो है। जो भी उसको जीतता है वो अपनी फ्रीडम को जीत लेता है और इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब भर भर के सीक्वेंस और एक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो मेरी अकॉर्डिंग ये बिंज वॉच मूवी है, तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो डेथ रेस को। और हाँ, इस मूवी को आप अकेले में ही देखना। इसमें मूवी आने वाली है, उस मूवी का नाम है बेबी। बेबी मूवी की बात करते हैं, इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया गया था और ये एक्शन और थ्रिल से भरी हुई मूवी रहेगी। अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करते हैं, मूवी का प्लॉट फॉलो करता है। यहाँ पर आपको एक बेबी नाम का लड़का देखने के लिए मिलेगा जो कि डॉग के लिए ड्राइवर का काम करता है। दूसरी ओर डॉग जहाँ पर हाइस्ट का काम करता है अपने ग्रुप के साथ मिलकर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो बेबी को फोर्स करता है कि अगर वो उसके लिए ये ड्राइवर का काम नहीं करेगा तो वो उसके लव्ड वंस और फैमिली को हार्म करेगा, मतलब थ्रेट करता है। दूसरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जबकि अंदर के लोग भी उसी के अगेंस्ट हो जाते हैं और उससे आगे स्टोरी में क्या होता है ये खुद देखना होगा। बिंज वॉच ये मूवी है, तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो। बेबी को इजीली हिंदी में अवेलेबल है। One more job and I'm done. One more job and we're straight. Now, I don't think I need to give you this feature about what happened when you said. He had an accident when he was a kid. Still has a hum in the drum. Plays music to drown it out. And that's what makes him the best. ये मूवी आने वाली है, वो एक तरह से ट्रू इवेंट्स पर ही बनी हुई मूवी है और मूवी का नाम है फ्यूरी। फ्यूरी मूवी की बात करते हैं, इस मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था और ये हॉरर और एक्शन से भरी हुई मूवी रहेगी। अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करें तो मूवी का प्लॉट फॉलो करता है। यहाँ पर आपको कुछ यूएस नेवी के टैंक क्रू के सोल्जर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि जर्मनी में लड़ रहे हैं अपने वर्ल्ड वॉर 2 के फाइनल वीक्स में और उससे आगे स्टोरी में क्या होता है ये खुद देखना होगा। मूवी में आपको भर भर के एक्शन देखने के लिए मिलेगा, मतलब इस तरह से इसमें इमोशन टच भी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर एक्शन भी देखने के लिए मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। मेरी ओर से बिंज वॉच रेकमेंडेड मूवी है, आप इस मूवी पर जाकर पहले नंबर पर जरूर देखना। दरअसल लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है द ओल्ड गार्ड। द ओल्ड गार्ड शो को 2020 में रिलीज किया गया था और जो एक्शन और फैंसी से भरा हुआ शो रहेगा। अगर हम शो के प्लॉट की बात करें तो शो का प्लॉट फॉलो करता है। यहाँ पर आपको कुछ सोल्जर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि मतलब एक तरह से इमॉर्टल्स हैं, वो अपने आप को हील करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दूसरी ओर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने जैसे कुछ और को खोजते हैं और अपने फ्रीडम के लिए लड़ते हैं। बस उससे आगे स्टोरी में क्या होता है जो खुद देखना होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये बिंज वॉच मूवी है सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप हल्के फुल्के कंटेंट के साथ आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो। द ओल्ड गार्ड को इजीली हिंदी में अवेलेबल ये मूवी है। मेरी मानो तो यहां से अभी के अभी निकल जाओ। जल्दी चलो। सिग्नल के लिए रुको। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि सिग्नल मिला है? लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन शो को 2020 में रिलीज किया गया था और एक्शन और थ्रिल से भरा हुआ शो रहेगा। अगर हम इस शो के प्लॉट की बात करें तो शो का प्लॉट फॉलो करता है। यहाँ पर आपको एक ब्लैक मार्केट का सोल्जर देखने के लिए मिलेगा जो कि मतलब बहुत ही इंटरनेशनल क्रिमिनल के सन को, किडनैप हुए सन को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो उसको रेस्क्यू कर रहा होता है लेकिन एक अनदर मिशन है, बहुत ही डार्क मिशन है जो कि मतलब अपनी एज पर पहुंच चुका है और उससे आगे स्टोरी में क्या होता है जो खुद देखना होगा। मूवी के मेन लीड में आपको क्रिस हेम्सवर्थ देखने के लिए मिलेंगे, रणदीप हुड्डा, पंकज त्रिपाठी और भी बहुत सारे ग्रेट एक्टर देखने के लिए मिलेंगे जिन्होंने मूवी को ग्रेट बनाया है। मैं ये नहीं कहूँगा मूवी बहुत अच्छी है, वन टाइम वॉच ये मूवी है, आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो एक्सट्रैक्शन को। इसमें मूवी आने वाली है, वो एक तरह से मेरी खुद की फेवरेट मूवी है और मूवी का नाम है किकैस। किकैस मूवी की बात करते हैं, इस मूवी को 2010 में रिलीज किया गया था और ये एक्शन और कॉमेडी से भरी हुई मूवी रहेगी।
अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करें तो मूवी का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको एक गीक डेव नाम का करेक्टर देखने के लिए मिलेगा जो कि ओरिजिनल में किकैस बनने के लिए पूरी तरह रेडी हो चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक बिग डैडी और हिट गर्ल नाम के मतलब करेक्टर निकल के आते हैं जो कि एक तरह से किकैस है, जो कि अंडरवर्ल्ड के मतलब वर्ल्ड को खत्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर वहाँ पर किस तरह से किकैस शामिल हो जाते हैं जे आपको देखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जे देखना होगा कि किकैस कौन है, तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो किकैस को। इसमें मूवी में आपको एक्शन, कॉमेडी, हाई स्कूल थिंग्स सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो किकैस को नेटफ्लिक्स पर, और ये इजीली हिंदी में अवेलेबल है। इसमें मूवी आने वाली है, उस मूवी का नाम है आउटलॉ किंग। आउटलॉ किंग मूवी की बात करते हैं, इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था और ये ड्रामा और एक्शन से भरी हुई मूवी रहेगी। आप इस मूवी को जाके नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करते तो मूवी का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको 14th सेंचुरी देखने के लिए मिलेगी जो कि मतलब जिसमें आपको एक स्कॉटिश किंग देखने के लिए मिलेगा, और दूसरी ओर वो गरिला वार शुरू कर देता है लार्जर इंग्लिश आर्मी के खिलाफ। अब आपको ये देखना है कि उसने ये वॉर क्यों छेड़ी है। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फाइटिंग सीन देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हैं आउटलॉ किंग को। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है सिक्स अंडरग्राउंड। सिक्स अंडरग्राउंड शो को 2019 में रिलीज किया गया था और एक्शन और थ्रिल से भरा हुआ शो रहेगा। अगर हम शो के प्लॉट की बात करें तो शो का प्लॉट फॉलो करता है, जहाँ पर आपको 6 इंडिविजुअल देखने के लिए मिलेंगे जो कि मतलब अपनी अपनी स्किल में बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, तो उनको उन्हीं के लिए चूज़ किया गया है। वो एक तरह से अपनी नई लाइफ की शुरुआत करते हैं अपनी पुरानी लाइफ को ख़त्म करके, और किस तरह से एक अनोखे मिशन को अंजाम देते हैं जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। शो बहुत ही अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो। सिक्स अंडरग्राउंड को नेटफ्लिक्स पर इजली हिंदी में अवेलेबल है। ये लोग दुनिया की नज़रों में मर चुके हैं। हम याद नहीं रहेंगे, पर हमारा काम याद रहेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है ना मामा। तो आखिर हो कौन? जान जाओगे। अगर वो असल में है, तो उन्हें खत्म किया जा सकता है। हमारे लिस्ट में मूवी आने वाली है, उस मूवी का नाम है टाइम टू हंट। टाइम टू हंट मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था। ये मूवी क्राइम और थ्रिल से भरी हुई मूवी रहेगी। अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करें तो मूवी का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको एक ग्रुप देखने के लिए मिलेगा जो कि एस्केप के लिए प्लानिंग करता है हाइस्ट की। लेकिन दूसरी ओर जहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जब वो प्लानिंग करते हैं तो वो किस तरह से किलर की अटेंशन गेन कर लेते हैं, और उससे आगे स्टोरी में क्या होता है जो खुद देखना होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिंज वॉच मूवी है, तो आप इस मूवी को जाके देख सकते हो। मूवी आने वाली है वो एक तरह से मेरी खुद की फेवरेट मूवी है, और मूवी का नाम है एवा। एवा मूवी की बात करते हैं, इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था और ये एक्शन और थ्रिल से भरी हुई मूवी रहेगी। अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करते हैं, मूवी का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर एक असैसिन देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम है एवा। उसको उसके ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ब्लैक ऑप्स के द्वारा डेथ के लिए टारगेट किया जाता है, उसके लिए क्वेश्चन उठाए जाते हैं क्योंकि उसने उसके प्रोटोकॉल को ब्रेक किया होता है। लेकिन क्यों ब्रेक किया होता है ये आपको खुद देखना होगा। बहुत ही अच्छी मूवी है, बिंज वॉच मूवी है, तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो। एवा को नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। Your head down, kiddo. Management will be watching on this one. You did something bad. I wouldn't have sent me if you had. और से आप सबके लिए कुछ ऐसी टॉप 10 एक्शन से भरी हुई मूवीज जो कि हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। आई होप कि आप सबको ये लिस्ट अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।